आज मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये मॉडल क्वेश्चन है फर्स्ट सेम 2022 का जो बोर्ड होने वाला है क्लास 10 के लिए उसके लिए। और मैं ये तो नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपको एग्जाम में आएगा, बट इतना बात जरूर वो बताऊंगा कि ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर रहेगा। तो मेरा इस टाइप के क्वेश्चन पे 4-5 वीडियो आपके लिए कंटिन्यूअस वे में आएगा, और इस सम को अगर आप कर लेते हैं तो आपका एटलीस्ट जो है 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा एपी से। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला सम है, पहला वीडियो, ये द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² - n। तो इसका पहला क्वेश्चन बनाया है द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज, ये देखिए समेशन ऑफ द एपी ये दिया हुआ है 3n² - n। तो अगर हम Sn इक्वल टू 3n² - n, तो इसमें अगर हम S1 दें तो एक टर्म के लिए होगा, एक टर्म का सम यानी एक ही पहला टर्म हो वही निकल जाएगा। तो S1 इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 पुट किया फॉर n इक्वल टू 1 तो ये आया आपका 2। इसका मतलब ये जो है यही फर्स्ट टर्म है, तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, वो दिया हुआ है कहां a में, ठीक है। इसी मेन क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन फॉर्म हुआ है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। अब देखिए मुझे जब तक दो टर्म पता नहीं, कंजिक्यूटिव टर्म पता ना हो तब तक हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो S1 यानी फर्स्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला 2। अब देखिए सेकेंड टर्म इसका निकालने के लिए S2 निकाल लेते हैं, तो S2 कितना आया, अगर n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो दिस विल गिव यू कितना 10 आएगा। और इसमें हम जानते हैं कि ये S2 है समेशन ऑफ टू टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ये दोनों का सम होता है 10। तो फर्स्ट टर्म निकला है 2 पुट किया प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 10, देयरफॉर सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 10 - 2 दैट इज 8। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2, सेकेंड टर्म हो गया 8, कॉमन डिफरेंस 8 - 2 दैट इज कितना 6। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन का तीसरा नंबर, सेम मेन क्वेश्चन से तीसरा पार्ट निकला है, ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 50। तो हम जानते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो यहां पर tn दिया हुआ है 50, n का वैल्यू निकालना है, तो a इज इक्वल टू हम प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल रहे हैं a फर्स्ट टर्म है ये 2 n माइनस 1 इनटू 6। अब देखिए ये 2 को नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 6n - 6, और इस 6 को उधर ले गए 48 + 6 = 54 इज इक्वल टू 6n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 54/6 दैट इज 9। सो 9th टर्म जो है वो 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ द एपी इज, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, a का वैल्यू मालूम है, d का वैल्यू हम सेकंड क्वेश्चन में निकाले हैं, तो ये a 2 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 6 था, तो 2 प्लस 6n माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6n - 4 एंड ऑप्शन a इज करेक्ट।